आज 9th of December है, कल है 10th December, मतलब में हमारी शादी को हो जाएंगे 5 साल। हमारी मैरिज एनिवर्सरी है और साथ में है रवि जी का बर्थडे, तो कल का दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और मेरे लिए भी है और सबके लिए। और आप पीछे वॉल देख रहे हो, वो खाने ने बिल्कुल कलर से गंदी कर दिया है, तो मैं सोचती हूँ कि अभी मैं उनके लिए कुछ लेकर आती हूँ, क्योंकि रात में ही सेलिब्रेशन थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाएगा। मीठा मुँह तो करा ही देंगे, आखिर दो दो सेलिब्रेशन जो बनते हैं, है ना। तो फिर चलें, आप हम मार्केट जाते हैं और आप लोग ज़्यादा वेट करिए, और आगे तक ब्लॉग को बहुत, मतलब आगे तक ब्लॉग को ज़रूर ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर ज़रूर करें, ओके। अभी मैं आ गई हूँ बाहर और अभी जा रही हूँ मार्केट। टाइम हो रहा है शाम के 5 बज रहे हैं, 5:45 बजे तक रवि जी आ जाएंगे, उससे पहले मुझे घर भी आना है, तो फिर चलो चलते हैं, बाय बाय। अभी मैं घर पे आती जा रही हूँ और रवि जी आ गए हैं बाहर, तो गेट खोल दिया है कि अभी अभी अंदर आते हैं। रुको दिखा जी, वो फैन ही ऑन किया, ओके कर दिया। और यहाँ पे शाम होते ही हम लोग चले गए थे वॉक के लिए, तो यहाँ पे किट्टू हानिया और प्रिंसी बॉल से खेल रहे थे और रवि जी यहाँ पे फ़ोन पे बात कर रहे थे किसी से, और यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। नहीं मुझे नहीं खानी, पानी मैं दूँ? हाँ नहीं, इतनी सर्दी में आइसक्रीम खा रही है, कैसी लग रही है? वो चूज करके खुद लाई हूँ। ये फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 12:45 और अभी मैं कर रही हूँ रात की तैयारी, मतलब 12 बजने की तैयारी। यहाँ पे ये शूट प्रिंसी ने किया था, मैं ऊपर चली गई थी, रवि जी सो गए थे, उन्हें उठाने के लिए गई थी। हैप्पी बर्थडे टू यू। जी हाँ, ये तो एक नींद पूरी हो गई है। जगला है, मैं कह रहा हूँ तब भी पीछे सो रहा है। उसे पता हो गया होगा। आज सब को बर्थडे है, पता चल गया था क्या? आज आ जाओ, मेरा भी बर्थडे है। चलो 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 उठो 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 चलो 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 उठो 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 उठो। हैप्पी बर्थडे जीजा जी। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू। थैंक यू। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी दीदी जी। थैंक यू। सबसे पहले आने का बर्थडे है, फिर हमारी कल एनिवर्सरी है। आई सरप्राइज कर दिया। ओह चलो आने चला रहा हूँ बेटा।
बनाया हान्या ने और क्या किया हान्या? पेस्ट्री में डिप किया और हान्या ने खा लिया है। यम्मी यम्मी लग रहा है। अच्छा ये ऐसे कौन कौन खाता है इतने वियर्ड तरीके से? हान्या खा रही है जैसे। कैसा टेस्ट आ रहा है बेटा? शाबाश, वेरी गुड। पापा खाते हैं ऐसे। पापा ने को कब देखा आपने खाते हो? पापा तो खाते ही नहीं है ऐसे। बचपन में अच्छा पहले थोड़े बड़े थे थोड़े छोटे। हान्या का तो हो गया था बर्थ है ना? है ना, हान्या का तो बर्थ हो गया था। मॉर्निंग हान्या। गुड मॉर्निंग। आज बर्थडे बॉय को विश किया जाए और Happy और हम दोनों को विश किया जाए। आज इनको मिला है बेड पे ही नाश्ता। तो मैंने बनाए हैं पोहा और सर्दी में तो भाई सभी लोग ही बेड पे ही चाहते हैं। और साथ में है टी कॉफी। पैक लगा के बैठी है प्रिंसी। डिटेन कर। हाँ हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रुचि से कबाब। और कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग ठीक होंगे और हम बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो आज है 10th of December। कल रात में आपने देख लिया था सेलिब्रेशन, हमने लेट नाइट जो सेलिब्रेशन कर लिया था। इनका बर्थडे भी है साथ में और साथ में है हमारी एनिवर्सरी। तो आपको लग रहा होगा कि मैंने ये आउटफिट क्यों पहना है, क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी तो हमने कुछ रील शूट किए हैं। तो आप जाके इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो आप जाओ उसको फॉलो करो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि जिससे आने वाली और भी वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच जाएंगी। अच्छा तो मैं आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप ज़रूर ज़रूर देखिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। चलो फिर मिलते हैं इवनिंग में सेलिब्रेशन के टाइम पे। क्या होता है थोड़े बहुत जो हमें रील्स शूट करनी थी वो कर लिए हैं। और अभी मैंने अपना आउटफिट बिल्कुल चेंज नहीं किया है और अभी जी वैसे ही घूम रहे हैं, उन्होंने चेंज कर लिया है। और शाम को देखते हैं क्या सेलिब्रेशन होता है। तो फिर चलो मिलते हैं इवनिंग में, अभी फ़िलहाल इतना ही। अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप जाके उसे फॉलो कर लो। और अभी की जो रील्स हैं वो ज़रूर ज़रूर देखना। हे फ्रेंड्स, तो अभी मैं हो गई हूँ रेडी। तो बहुत ही सिंपल लुक रखा है मैंने, एकदम इंडियन लुक रखा है। जैसा आज एनिवर्सरी है उसके अकॉर्डिंग मैंने ठीक रखा है। मैं बहुत ज़्यादा इतनी हैवी ड्रेस भी नहीं पहनी है, क्योंकि हम जा रहे हैं डिनर पे तो ऑब्वियसली कंफर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने इतना हैवी भी नहीं पहना, ओनली सिंपल सूट पहना है, उसके साथ ये दुपट्टा डाला हुआ है कोटाडोरिया का, और बस हैवी जो है इसमें मेरी इयर रिंग्स हैं। अच्छा मेरा ये आज का लुक कैसा लगता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। डे टाइम में मैं बहुत अच्छे से रेडी हुई थी, बहुत सारी रील भी शूट की थी, फोटो भी शूट किए थे और इन्जॉय किया था हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा। और अभी बस अभी टाइम हो रहा है 7:30 और हने सो गई थी, बस उसका वेट कर रहे हैं। अभी हने उठेगी फिर हम लोग निकल जाएंगे और अभी सब लोग रेडी हो रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं शादी में, शादी में जा रहे हैं और हने भी हमारी बिल्कुल रेडी है।
अभी हम आ गए हैं डिनर के लिए। हमारे पास में एक अच्छा रेस्टोरेंट था तो वहाँ पे आए हैं, और हमारे साथ में आए हैं, हम दोनों का गाना बनता था, आज इनका बर्थडे भी है और हमारी एनिवर्सरी भी है, और साथ में आए हैं जीतू भैया, और उधर बैठी है हानिया। और यहाँ पे है प्रिंसली, तो यहाँ पे एक मेरी जगह खाली है क्योंकि मैं कभी यहाँ पे बैठ जाती हूँ कभी उधर खाली, मैं प्रिंसली के पास जाके बैठ जाती हूँ ना, तो फिर बस अभी हम कर रहे हैं अपने डिनर का वेट, अभी आ रहा है। लाइटिंग है यहाँ पे, और हानिया को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हानिया ब्लैक पहनी है तो शायद दिख नहीं रही है। अच्छा, इसी के साथ मैं अपना वीडियो को एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम पहुँच गए हैं घर पे, हानिया को आ रही थी नींद तो हानिया को सुनाऊंगी।